मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों में 2 वर्षों के लिए मिलेट मिशन योजना लागू कर दी है, जिसके तहत मोटे अनाज की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा और जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। इसी के तहत शिवराज कैबिनेट की बैठक में मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए। शिवराज सरकार राज्य मिलेट मिशन योजना के प्रसार प्रसार में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। इसी कड़ी में शिवराज कैबिनेट की बैठक में मिलेट्स अन्न से बने व्यंजन परोसे गए। इन व्यंजनों में बिस्किट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा, खिचड़ा और पापड़ और खीर शामिल थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिलेट्स अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। मिलेट्स अनाजों में एक नहीं बल्कि कई गुण पाए जाते हैं। मिलेट्स अनाज में फाइबर की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को और भी मजबूत बनाती है, जिससे लोगों में कब्ज जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आपके सामने रखे हुए बिस्किट हो, बाकी हुए ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, पापड़ भी सब उन्हीं के हैं। तो ये श्री अन्न आपके सामने मिलेट्स को और प्रोत्साहित करने के लिए आज परोसा गया है। इसको बढ़ावा देने का हम हर संभव प्रयास करें। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है, इसलिए आज कैबिनेट को वही परोसा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।